बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज एजुकेशन सेंटर में आपको वेलकम करती हूँ और आज मैं आपको क्लास 10 न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 18.2 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाऊँगी, ठीक है। जो कि कुछ यूँ है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड, ठीक है, फाइंड करना है हमें। अच्छा जी, y वेरीज हो रहा है डायरेक्टली x से, तो हम पहले इसको सेट कर लेंगे। y वेरी हो रहा है डायरेक्टली एक्स के साथ, तो हम वाई इज इक्वल्स टू के और एक्स ले लेंगे। के क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट है, वेयर के इज द कांस्टेंट, साइड में लिख लेते हैं हम, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का, ठीक है। अब हम लिख देंगे वाई इज इक्वल्स टू के एक्स, हमारे पास क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो अब हम पुट कर लेते हैं और फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी। y की जगह पे हम रख देंगे 10 इज इक्वल्स के, हमारा कांस्टेंट था और ये 3 था, ठीक है। तो अभी देखिए कि यहाँ पे 3 से जो है, सॉरी 10 जो है इक्वल के साइड है, दर्जा को जाएगा डिवाइड, और k को हम पहले ले लेंगे, k इज इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए इसी वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम पहले क्वेश्चन में इसके क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रहे हैं y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। y इन टर्म ऑफ x होगा तो क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं हम। y इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब देखिए हमने k की हमने क्या वैल्यूज निकाली थी, k जो हमारे पास कॉन्स्टेंट आया था वो क्या आया था, 10/3 और x आंसर, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट टू में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पार्ट टू में हमें, y when x इज इक्वल्स टू 6, y मालूम करें जबकि हमारे पास होगा x 6 के बराबर, ठीक है। तो हम कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 लिखते हैं हम पहले। हमारे पास k क्या था, k एज अ कांस्टेंट था जो बराबर था 10/3 के, तो अब हम इसे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी हम लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू 10/3, ठीक है, और क्वेश्चन में कह दिया बता x की जगह पे, हमारे पास पूरी इक्वेशन ये थी ना कि y इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है y इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट आ चुका है हमारे पास, और x क्या है सवाल में दिया हुआ है 6, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6, और जब 10 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 2 हो जाएगा हमारे पास 20 आंसर। ये दोनों पार्टों के आंसर है, हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास, x when y इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, x मालूम करें जबकि हमारे पास y इज इक्वल्स टू 15 होगा। अब हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या थी, हमारे पास y इज इक्वल्स टू, हमारे पास थी इक्वेशन k और x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू के एक्स थी ना। अब यहाँ पर देखिए x मालूम करना है, तो x when हम लिख देंगे, x when y इज इक्वल्स टू 15 है ना हमारे पास, हमें पता है कि k जो है k कांस्टेंट हमारे पास कितने बराबर आया था, 10/3 के, ठीक है। तो अब हमें जो है क्या फाइंड करना है, क्या कहते हैं x फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे y इज इक्वल्स टू, ठीक है, k की जगह पे क्या आ जाएगा, k एज अ कांस्टेंट था यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 10/3 और x, ठीक है। अब आप ये देखिए y जो है यहाँ पे हमारे पास कह दिया हुआ है क्वेश्चन में 15, तो यहाँ 15 लिख के 10/3 लिख के और x लिख देंगे। अब आप गौर करें कि ये 3 जो है 10 से क्या है, डिवाइड में है, इक्वल के साथ जाके हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 × 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इक्वल 10x से जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 15 × 3 हो जाएगा हमारे पास 45, और यह 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 10 आ जाएगा हमारे पास और इक्वल x। आप ये देखिए 5 2 10, ठीक है, और 5 9 45, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स, को सही करके लिख देते हैं तरतीब से, x इज इक्वल्स टू 9/2 आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे एक्सरसाइज नंबर 18.2 के, ठीक है। अब नंबर अपना 2 करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18.2 का, जो है इफ वी डायरेक्टली वेरीज हो रहा है t से, ठीक है, एंड v इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ 15, एंड वेन t इज इक्वल्स टू दी हुई t की वैल्यू 24 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेट कर लेंगे, हमें गिवन दैट जो है हमारे पास, गिवन दैट v डायरेक्टली जो है वेरीज हो रहा है, ठीक है,
डायरेक्टली वेरीज हो रहा है हमारे पास टी से, ठीक है टी, तो हम वी इज इक्वल मतलब डायरेक्टली वेरीज का साइन लगाएंगे और के और टी लिख देंगे, और हम क्या लिख देंगे वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है अब हमें ये लिख लिया है। अब हम इसके बाद जो है इसको तरतीब सेट से लिख देंगे, सेट करके लिख देंगे। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यूज, लिख देंगे पुट वी इज इक्वल्स टू 15 एंड टी इज इक्वल्स टू 24, ठीक है इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लिखते हैं सेट कर लेते हैं इसको, यानी कि हमारे पास वी की जगह पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इक्वेशन में वी की जगह पे आ जाएगा 15 और डायरेक्टली वेरीज ठीक है की जगह इक्वल आ जाएगा, और के की जगह पे आ जाएगा, के इज ए कॉन्स्टेंट हमारे पास तो के ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और टी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है अब हमारे पास 24 इज इक्वल टू, यानी कि के 24 हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 हमारे पास यहाँ पर सॉरी के 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा 15 के साथ, तो 15 अपॉन हम लिख लेंगे 24 इज इक्वल टू के। अब आप ये देखिए कि 3 5 से 15 होता है और 3 8 से 24 होता है, तो हमारे पास मींस के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5/8 निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई 5/8। द इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड टी कह रहा है हमसे, ठीक है तो हम लिख देंगे यहाँ पर वी और टी की जगह भी एज इट इज़ रहेगी, बस वी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या थी इक्वेशन, वी इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है तो वी इज इक्वल्स टू के की जगह पर के से कांस्टेंट था हमारे पास तो उसकी जगह आ जाएगा 5/8 आंसर। इसका पार्ट टू जो है वो देख लेते हैं, वो कह रहे हैं वी वैन टी इज इक्वल्स टू 30, ठीक है अब पुट हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन, सबसे पहले लिख देंगे हम के इज इक्वल्स टू के हमारे पास कांस्टेंट था जो था हमारे पास 5/8, अब लिखेंगे देंगे पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है तो हम लिख देंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है वी इज इक्वल्स टू हमारे पास के टी, इक्वेशन होती है वी इज इक्वल्स टू हमारे पास के इज ए कॉन्स्टेंट 5/8 है और जबकि क्वेश्चन में हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है अब हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे कि 2 4 8, 2 के टेबल में 8 आता है और 2 1 2, 1 वहाँ गए चले गए 10 बन गया तो 2 5 10, ये भी क्रॉस हो गया और ठीक है तो और हमारे पास सब जो बचा है नीचे, अब डिवाइड में वैल्यू बची है 4 और ऊपर बचा है हमारे पास 15 5 हो जाएगा 75, तो ये पार्ट टू का आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट थ्री है एक्सरसाइज में 18.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थ्री हमारे पास है जो है टी वैन वी इज इक्वल्स टू 10 के इज इक्वल्स टू 5/8। अब हमारे पास जो हमें मालूम करने के लिए कह रहे हैं कि टी मालूम करना जबकि वी की वैल्यू दी हुई है और के की दी हुई है हमारे पास वैल्यू, ठीक है तो हम लिख लेते हैं हमारे पास जो इक्वेशन थी वी इज इक्वल्स टू के टी थी ना, ठीक है उसके मुताबिक ही चलेंगे हम, v की जगह पे हमें क्या दिया हुआ 10, k हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी हुई 5/8 और हम t एज इट इज रखेंगे क्योंकि t हमें फाइंड करना है, ठीक है तो अब आप ये देखिए 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है 5 से दर जाके हो जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 एज इक्वल्स टू t हो जाएगा, ठीक है अब आप ये देखें 5 1 5 और 5 के टेबल में 10 भी आता है 5 2 10, ठीक है और तो 2 और 8 बचा हमारे पास, ठीक है तो 2 8 हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है टी की वैल्यू का निकल के आ गई 16 आंसर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 18.2 क्लास 10 न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आज आपको लोगों करवाया है, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और कमेंट्स करा करें, आप लोग कुछ समझ में ना आए मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।